हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिसकैरेज के कितने दिन बाद हमको फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि संबंध हमको कितने दिन बाद बनाना चाहिए यदि हमारा मिसकैरेज हो गया है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। यही जानने के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो देखिये, मिसकैरेज के बाद कम से कम 2 हफ्ते तो आपको वेट करना ही करना है। 2 हफ्ते क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आपका जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुला हुआ होता है, यूट्रस का मुंह खुला हुआ होता है, और उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो वहां पे हो सकता है इन्फेक्शन का भी आपको चांस बन जाए, तो या फिर और ज्यादा ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम आपको हो जाए, पेन की प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो इसलिए कम से कम 2 हफ्ते आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है। कोई भी चीज हो, टैम्पोन हो या फिर कोई भी चीज अंदर डाउच हो, वो आपको अंदर इंसर्ट नहीं करना है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन की संभावना ना हो या फिर ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो 2 वीक कम से कम आपको मिसकैरेज के बाद वेट करना है। उसके बाद भी अगर आप कंफर्ट महसूस कर रही हैं, ब्लीडिंग आपकी बंद हो गई है और आपको कोई पेन नहीं है, तभी इंटरकोर्स आप कर सकती हैं, नहीं तो उसके बाद भी आप अवॉइड करें, तब तक जब तक कि आपको ब्लीडिंग बंद ना हो जाए और आपको पेन भी पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा काफी। और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।